टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द रिलैक्सेशन थेरेपी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। रिलैक्सेशन प्रोड्यूस फिजिकल इफेक्ट अपोजिट दोज ऑफ एंजाइटी। जो रिलैक्सेशन थेरेपी होती है प्रोड्यूस करती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को एंजाइटी के अगेंस्ट में। जो रिलैक्सेशन थेरेपी होती है वो हार्ट रेट को स्लो कर देती है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। ए रिलैक्सेशन टेक्निक आल्सो नोन एज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जो रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं उनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं वो किसी भी मेथड में, प्रोसेस में या प्रोसीजर में और एक्टिविटी में होती हैं जो कि हेल्प करती हैं पर्सन को रिलैक्स रहने में और हेल्प करता है बढ़ी हुई शांति की स्टेट को प्राप्त करने में और रिड्यूस करता है पेन के लेवल को, एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर को। रिलैक्सेशन टेक्निक आर ऑफन एम्प्लॉयड एज वन एलिमेंट ऑफ ए वाइटर स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड कैन डिक्रीज मसल टेंशन। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को एक बड़े स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक तत्व के रूप में कार्य में लिया जाता है और यह मसल टेंशन को डिक्रीज कर सकता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है और ब्रीथ रेट को भी स्लो करता है और काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के। जो रिलैक्सेशन टेक्निक को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स परफॉर्मर के द्वारा स्वयं को शांत रखने में और स्वयं की एंजाइटी को डिक्रीज करने में और सेंस ऑर्गन्स के स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने में। रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं वो सेंस कंट्रोल को इंक्रीज कर सकती हैं और एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं और हेल्प करती हैं परफॉर्म टू फील काम, परफॉर्मर को शांति देने में और कंफर्टेबल देने में। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन थेरेपी सच एज जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, इसमें मसल रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है। मेंटल इमेजिनरी, इसमें पर्सन को बोला जाता है कि वो इमेजिन करे सेल्फ को। मेडिटेशन, इसमें किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मूविंग ट्रेन। नेक्स्ट रिलैक्सेशन थेरेपी योगा, इसमें पर्सन को बोला जाता है कि वो योगा करे। उसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज, इसमें बोला जाता है कि वो जो सेल्फ उसकी इंटरेस्टेड फिजिकल एक्सरसाइज हो जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको करे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई जाती है उसे रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए। उसके बाद है म्यूज़िक, म्यूजिक में जिस म्यूजिक के वह ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस म्यूजिक को सुने जैसे उसे रिलैक्स फील हो। नेक्स्ट हिप्नोसिस, में इसे हिप्नोटाइज करके उसे रिलैक्सेशन थेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मसाज, उसमें उसे बॉडी माइंड मसाज, हेड मसाज, बैक मसाज दी जाती है उसे रिलैक्सेशन थेरेपी के रूप में। हॉबीज़ में किसी व्यक्ति को बताया जाता है जिसमें जिस किसी भी हॉबी में इंटरेस्टेड है उस चीज़ को ज़्यादा करे जिससे कि उसका जो माइंड है वो रिलैक्स फील करेगा। इसमें फर्स्ट है जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। इट इज़ द मोस्ट ऑफन यूज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है। मसल रिलैक्सेशन थेरेपी को एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था जिसका नाम एडमंड जैकोब्सन था। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस द क्लाइंट मस्ट लर्न टू रिलैक्स थ्रू डीप मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसमें जो क्लाइंट होता है वो रिलैक्स रहना सीखता है थ्रू डीप मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के द्वारा। थर्ड पॉइंट, एक्सीलेंट रिजल्ट हैड बीन ऑब्जर्व विद दिस मेथड। जो एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं उनको इस मेथड में ऑब्जर्व किया जाता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर टेंशन, मस्कुलर टेंशन के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, इंसोमनिया के ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन के, फटीग के, इरिटेबल बाउल, मसल स्पाज्म, नेक एंड बैक पेन और हाई ब्लड प्रेशर, माइल्ड फोबिया, इन सब के ट्रीटमेंट में जो एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं वो इस मेथड में ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेकेंड रिलैक्सेशन थेरेपी है मेंटल इमेजिनरी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेंटल इमेजिनरी, इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वह स्वयं को इस प्लेस से जोड़ा रखे जहाँ पर, जिस प्लेस से उस पेशेंट की कभी रेस्ट मेमोरी रही हो। सेकंड पॉइंट ऑफ मेंटल इमेजिनरी, इसमें पेशेंट को बोला जाता है कि वो खुद को इमेजिन करे और अलाउ करे एक रिलैक्स्ड स्टेट में एंटर करने के लिए और एक्सपीरियंस करे, मींस अनुभव करे शांति की भावना का और शांत अवस्था का। थर्ड पॉइंट ऑफ मेंटल
टोटल इमेजिनरी। इसमें जो कुछ पेशेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं समुद्र तट को, और कुछ चूज़ करते हैं माउंटेन एटमॉस्फेयर को, और कुछ चूज़ करते हैं हवा के माध्यम से चलना। थर्ड पॉइंट ऑफ मेंटल इमेजिनरी, इसमें इमेजिनाइजेशन की जो चॉइसेस होती हैं वो लिमिटलेस होती हैं। कोई भी किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर को या कोई भी किसी भी चीज़ को चूज़ करता है इमेजिन करने के लिए खुद को। फोर्थ पॉइंट ऑफ मेंटल इमेजिनरी, नर्स कैन असिस्ट पेशेंट विद इमेजिनरी ड्यूरिंग ए पेनफुल और स्ट्रेसफुल इवेंट। नर्स होती हैं वो असिस्ट कर सकती हैं पेशेंट को इमेजिनरी के द्वारा किसी भी पेनफुल और स्ट्रेसफुल इवेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो नर्सेस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था इमेजिनरी में, उसका समर्थन किया गया था अमेरिकन होलिस्टिक नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा।